हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला की प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट एजुकेशन का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ ये सुपर टेट में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो हमारे सुपर टेट में और बीटीसी में पूछे जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, वो है स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा, यानी कि स्वतंत्रता हमें मिलने से पहले प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में क्या 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 नीतियाँ लाई गई, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। यद्यपि लॉर्ड थॉमस मैकाले को भारत में शिक्षा के पश्चिमीकर्ता के रूप में जाना जाता है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ईसाई मिशनरियों के ने प्रारंभ की। यानी कि माना जाता है लॉर्ड थॉमस मैकाले जो थे उनको शिक्षा के पश्चिमीकर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत में वही पश्चिमीकर्ता आए थे जिन्होंने भारत में शिक्षा को पहली बार लाया, और ईसाई मिशनरियों ने पहली बार भारतीय शिक्षा को पश्चिमीकृत करने का प्रयास किया। भारत से व्यापार करने के लिए 17वीं शताब्दी में अनेक व्यापारिक कंपनियों का निर्माण हुआ। उनमें प्रमुख कंपनियां थी पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड। यानी कि भारत में 17वीं शताब्दी में, जैसा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो उसका उद्देश्य भी यही था कि भारत में व्यापार किया जाएगा। किंतु 17वीं शताब्दी तक बहुत सारी कंपनियाँ आई थी हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, तो कुछ कंपनियां उनमें से थी पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड आदि की कंपनियां। व्यापार के साथ साथ इस देश में ईसाई मिशनरियों ने प्रवेश किया, और व्यापारिक उद्देश्यों के अलावा ईसाई मिशनरियों ने हमारे इंडिया में प्रवेश किया, और इनका मुख्य उद्देश्य था भारत के निवासियों में अपने धर्म का प्रचार करना। यानी कि जो उनका ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ही वो भारत आए थे, ना कि शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना तो एक साधन था, यानी कि वो अपने धर्म प्रचार करने के लिए हमारे भारत में आए थे, ना कि व्यापार करना और शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। किंतु उनका अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो भारत आए, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियरली भारत में नहीं कही, ना ही इसके कोई प्रमाण दिए, और अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने शिक्षा का सिर्फ सहारा लिया, ना कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना कोई उनका उद्देश्य था, बल्कि एक साधन था उनको अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। एलन के अनुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने के दो कारण थे, भारत के निवासियों को शिक्षित करके उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण रूप से परिचित कराना। यानी कि ईसाई मिशनरी अपने धर्म के सिद्धांतों को हमारे भारत में परिचित कराना चाहते थे, भारत के निवासियों को अपने धर्म से अवगत कराना चाहते थे, ये तो उनका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा था शिक्षा संस्थाएं स्थापित करके उनके माध्यम से भारतीयों से संपर्क स्थापित करके धर्म का प्रचार करने के अवसर प्राप्त करना। यानी कि शिक्षा संस्थाएं जब वो स्थापित करेंगे हमारे भारत के लिए, तो वो हमारे भारतीयों से संपर्क स्थापित कर पाते, और हमारे भारत में भारतीय नागरिकों के बीच में वो अपना जो है ये चीज़ शो करना चाहते थे कि उनको भारतीयों की बहुत अधिक चिंता है और शिक्षा को लेकर वो काफ़ी जागरूक हैं, इसलिए वो भारत आए। किंतु उनका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था, शिक्षा सिर्फ एक माध्यम बनकर रह गया। सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरी आए, और सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली मिशनरी। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसी प्रकार फ्रांसीसी, डच, डेन तथा अंग्रेज मिशनरियों ने शैक्षिक संस्थाएं खोली। तो फ्रांसीसी, डच, डेन और अंग्रेजी मिशनरियों ने भारतीयों के लिए काफ़ी शैक्षिक संस्थाएं खोली थी। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य कंपनियों पर विजय प्राप्त की तथा व्यापार के साथ साथ शिक्षा में रुचि लेना आरंभ कर लिया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बाकी सारी कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया, भारत में बाकी सारी कंपनियों को भारत से बाहर निकाल दिया, और खुद जो है
विजय प्राप्त की और साथ ही साथ अपने व्यापार को फैलाने में काफी रुचि ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1813 तथा 1831 के बीच कंपनी की शिक्षा नीति किसी ठोस आधार पर नहीं थी, यानी कि 1813 से लेकर 1831 के बीच में कंपनी की जो शिक्षा नीति थी उसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शैक्षिक भूमिका। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया। यानी कि हमारे भारत में भी रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 में किसी भी देश में व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र, एक चार्टर प्रदान किया। उस समय से लेकर लगभग 150 वर्ष तक कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था और 150 वर्ष तक की कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना बना था। सन 1757 में प्लासी की विजय और 1765 में शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात कंपनी की सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार स्थापित करना, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार स्थापित करने के साथ साथ यहाँ पर भारत में अपना धर्म प्रचार करना शुरू किया और फिर व्यापारिक जो कार्य था वो एक सत्ता के रूप में राजनीतिक रूप धारण करने लगा। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यानी कि उनकी ये सत्ता है वो स्थायी बनी रहे, उन्होंने जो प्लासी की विजय प्राप्त की थी और शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त की थी, जो राज प्राप्त किया था वो राज उनका बना रहे, वो सत्ता उनकी भारत में बनी रहे, इसलिए उन्होंने भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। अगर वो शिक्षा पर ध्यान देंगे तो हम भारतीयों को लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा सजग हैं, काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं हम भारतीयों के लिए और उनको हमारी बहुत अधिक चिंता है। वो अपनी इसी इमेज को बनाने की वजह से सिर्फ शिक्षा संस्थाएं उन्होंने खोलना शुरू किया और भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया, जबकि उनका उद्देश्य था अपना राजनीति करना हमारे देश पर और व्यापार करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी की शैक्षिक भूमिका। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई और इसके स्थापनाकर्ता थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की सबसे पहले स्थापना की थी और उसके बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई जो जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। तो संस्कृत कॉलेज और मुस्लिम के लिए उन्होंने मदरसा खोला, तो ये सब सिर्फ हम भारतीयों को दिखाने के लिए कि उनको हमारी भारतीय शिक्षा की, भारतीयों की शिक्षा के बारे में उनको बहुत ज़्यादा ख्याल है और वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वो हमारे देश की प्रगति चाहते हैं, सिर्फ यही दिखाने के लिए उन्होंने इन कॉलेज की, इन मदरसों की स्थापना की थी। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और ये स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सन 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलकिंस जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये जो क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की और किस सन में की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलकिंस जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की भूमिका। तो भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्या भूमिका रही भारतीय शिक्षा में। चार्ल्स ग्रांट 1767-1780 भारत में कंपनी शासन में रहा, यानी कि कंपनी के शासन के तहत चार्ल्स ग्रांट भारत में आया और वो 1767 से लेकर 1780 तक भारत में रहा। इसके बाद वह कंपनी का भारत में चेयरमैन, यानी 1805 में उसको भारत में ब्रिटिश की ओर से चेयरमैन बना दिया गया और
ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बन गया वो। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी चार्ल्स ग्रांट को ही कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। उसने 1792 में इंग्लैंड में एक पुस्तिका ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में एशिया लोग एशिया के जो प्रजा है उसकी क्या सामाजिक स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में उसने अपनी पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति। चार्ल्स ग्रांट ने हिंदुओं की अज्ञानता का प्रचार किया तथा शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को जागरूक बनाने पर जोर दिया। यानी कि जो चार्ल्स ग्रांट थे, माना जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में भी हिंदुओं की अज्ञानता के बारे में लिखा कि हिंदू जो हैं वो बहुत ज़्यादा अज्ञानी हैं, और उनकी अज्ञानता का प्रचार प्रसार किया और अपने द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को जागरूक करने की बात पर बहुत अधिक जोर दिया। उसने कहा कि यह सब पाश्चात्य शिक्षा दिए जाने से ही संभव है। यानी कि चार्ल्स ग्रांट का मानना था कि जो हिंदू लोग हैं वो काफ़ी अज्ञानी हैं, काफ़ी मूर्ख हैं, और उनकी ये मूर्खता जो है वो चार्ल्स ग्रांट की पाश्चात्य शिक्षा दिए जाने पर ही दूर हो पाएगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट की भूमिका। हिंदुओं व मुसलमानों की अज्ञानता को दूर करने के लिए चार्ल्स ग्रांट ने एक योजना प्रस्तुत की जिसके प्रमुख बिंदु अग्रलिखित हैं। यानी कि चार्ल्स ग्रांट ने एक योजना बनाई जिसके तहत उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम की अज्ञानता इनसे दूर हो जाएगी। तो ये बिंदु इस प्रकार हैं। भारत में विद्यालयों की स्थापना, यानी कि भारत में जब ब्रिटिश द्वारा विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जब पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों की सभ्यता में मिलाया जाएगा, तो भारत की शिक्षा और भी अधिक अच्छी रहेगी और भी अधिक विकसित होगी, ऐसा मानना था चार्ल्स ग्रांट का। विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा और साहित्य को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि सभी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को ऐड किया जाए और अंग्रेजी भाषा और उसी के साहित्य को निःशुल्क पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जाए। पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार, यानी कि जो ब्रिटिश की जो साइंस थी, ब्रिटिश की जो पाश्चात्य ज्ञान था, पाश्चात्य विज्ञान था, उसके बारे में प्रचार प्रसार करने की बात चार्ल्स ग्रांट ने की थी। ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार और अपने धर्म ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी अपने इन बिंदुओं में से इन्होंने मुख्य माना चार्ल्स ग्रांट ने। 1793 का चार्टर। अब 1793 में एक चार्टर आया जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि 1793 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार को, यानी कि ब्रिटिश को 20 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। विलियम विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट के विचारों से प्रभावित कंपनी के आज्ञा पत्र में यह संशोधन रखा, और इस बात को विलियम विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट के विचारों से प्रभावित होकर अपने इस आज्ञा पत्र में लिखा था। ब्रिटिश सभा का यह विशेष कर्तव्य है कि वह हित एवं समृद्धि के लिए कार्य करे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों को अपनाए जिससे भारतीयों के ज्ञान, धर्म तथा नैतिकता का स्तर ऊंचा उठे। यानी कि जो विलियम विल्बरफोर्स थे, उनका कहना था कि ब्रिटिश सभा जो कि भारत में शासन कर रही है, उसका यह मुख्य कर्तव्य है कि वह भारतीयों के हित और समृद्धि के लिए कार्य करे, विद्यालयों की स्थापना करे, उनके ज्ञान, धर्म और नैतिकता के स्तर को बहुत अधिक ऊंचा उठाने का प्रयास करे। इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए शार्प ने कहा, यानी कि शार्प नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने विलियम विल्बरफोर्स की और चार्ल्स ग्रांट की इस धारणा को काटते हुए, उनकी इस धारणा की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदुओं की धार्मिकता तथा नैतिकता उतनी ही उत्तम है जितनी अन्य व्यक्तियों की, और उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास करना और अधिक ज्ञान देना पागलपन होगा। यानी कि जो शार्प थे, उनका मानना था कि हिंदुओं की जो धार्मिकता है, जो धर्म है, वो जिस धर्म का पालन करने वाले हैं और उनकी नैतिकता ही उनके लिए उत्तम है, उनको किसी और प्रकार का ज्ञान, किसी भी और प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए और ना ही उनके धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, और यही चीज़ अधिक ज्ञान देना ही बहुत अधिक पागलपन होगा। तो 1793 के इस चार्टर में बहुत मुख्य बातें कही गई और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर देखें और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से, और आपको किसी भी टॉपिक की डिमांड हो एजुकेशन से रिलेटेड, CDP से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।